सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी फैमिली ब्लॉग में। और अभी शाम के 7 बजे मैं जा रही हूँ एक वेडिंग पार्टी में, और परसों भी मैं गई थी और वहाँ पे मैं ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि गांव का माहौल रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें सोचते हैं, तो उतना मैंने शूट नहीं किया था। बस किसी किसी को मैंने मोबाइल दे दिया था, थोड़ी बहुत जो क्लिप उन्होंने बनाई थी वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बट आज तो यहाँ बगल में ही जाना है, मैरिज हॉल में शादी है, तो जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और पक्का तो नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे, तो मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं वो करने की कोशिश करूंगी। और गांव में होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है करना। हाँ, अपने घर में हो तो कोई बात नहीं, हर लोग जानते हैं कि ब्लॉगिंग करती है इसलिए वीडियो शूट कर रही है, लेकिन बाहर के लोग उतना नहीं जानते हैं तो पता नहीं कभी कभी कुछ और भी सोच लेते हैं, इसलिए ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ मैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितना हो सकेगा मैं शेयर करूंगी। और दोपहर को तो एकदम लगा कि बारिश होने वाली है, मैंने दिखाया भी था, मतलब कि बहुत ज्यादा बादल घेर लिए थे और बूंदाबांदी भी हुई थी बट बारिश नहीं हुई। तो आज नहीं हुई तो ठीक है, मतलब कि शादी ब्याह में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, लेकिन हाँ कल परसों में अगर बारिश होती है तो हो जाना चाहिए क्योंकि अभी धान रोपने का टाइम है ना, और बारिश के कारण ही नहीं हो रही है, किसान लोग बारिश के ही इंतजार कर रहे हैं। और देखिए कितना पसीना चलने लगा, पता नहीं मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसीना चलता है, और जब तैयार होती हूँ नए कपड़े वगैरह पहनती हूँ तब और ज़्यादा पसीना चलता है, तो क्या कर सकते हैं, तैयार होने का कोई फायदा ही नहीं होता है। और आज मैं साड़ी नहीं, मैं आज लहंगा पहनने वाली हूँ, तो दिखाती हूँ मैं कौन सा लहंगा पहनने वाली हूँ। जो दुपट्टा लिया है ना उस लहंगे का ही है, हरा रंग का है और यही मैं आज पहनने वाली हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना दुपट्टा भी दिखाती हूँ और वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर करके मेरा सपोर्ट भी करिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपना लहंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लहंगा आज मैं यही पहनूंगी, और ये देखिए ये हल्का ग्रीन कलर का है, लाइट ग्रीन, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में इसका कलर कुछ अलग दिख रहा है, आसमानी कलर का है, और इसमें गोल्डन कलर का वर्क किया गया है। ज़्यादा महंगा वाला नहीं है ये, बट इसका प्राइस शायद 2000 से नीचे का ही है। और ये देखिए बॉर्डर इसका कितना अच्छा लग रहा है, चौड़ा सा, दोनों तरफ इस तरह से है, चौड़े चौड़े बॉर्डर हैं और किनारी पतली सी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी लाइट है और पहनने में भी ये लाइट है। तो चलिए मैं अब तैयार हो जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे लहंगा मैंने पहन लिया है और चूड़ियाँ भी पहन लिए, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस मैं रिंग खोज रही हूँ, मिल नहीं रही थी, मुझे याद नहीं था, तो एक इधर रखी थी और एक और मैं ढूंढ रही थी, वो मेरे पर्स में थी तो वो भी मैं पहन लेती हूँ। और देखिए अभी इस लहंगे का कलर कुछ और दिख रहा है, तो ग्रीन में भी कहीं कहीं ज़्यादा डीप है और कहीं लाइट है, तो इस तरह से था, बट पता नहीं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा है ठीक से, कुछ अलग ही इसका कलर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बालों को अपना जुड़ा बना लिया है इस तरह से, और ये जो मैंने बालों में लगाया है ना वो राखी में से निकला था, रक्षाबंधन में जो हम लोग राखी बांधते हैं ना वही, तो उसी को मैंने अपने बालों में पिनअप कर लिया है। हालांकि मुझे लगा कि मुझे मुस्कान को बुलाना चाहिए तैयार होने के लिए, बट रात हो गई थी तो मैंने नहीं बुलाया, मैं खुद से ही तैयार हो गई, जैसे भी जो भी बाल बनाने थे मैंने बना लिए और मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। और इनको बोल रही हूँ जल्दी से तैयार होइए, हमें निकलना है क्योंकि अभी 8:30 हो गए हैं और अभी हम लोग घर पर ही, काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस पास में ही 2 मिनट का ही रास्ता है। तो विकास भी तैयार हो रहा है और उसके पापा भी, हम तीनों चलेंगे आज, और तब तक यहाँ पे घर में ताला लगा देंगे, तो मैं तो रुक जाऊँगी अभी, सारे टीचर्स जब आएंगे तभी आएंगे हम, लेकिन ये चले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब जितने कभी गाँव के लोग थे सभी लोग खाना खा के जा चुके हैं तब हम लोग आए हैं। और यहाँ पे देखिए हम दोनों बैठे हुए थे और लाइट जो थी कट गई थी, तो फिर से लाइट आया है, एकदम अंधेरा सा हो गया था अचानक से, और ये बोल रहे थे कि अब मैडम लोग मिल जाएंगी तो मैं चला जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे सारी मैडम मिल चुकी हैं, आ चुकी हैं, तो वो खाना खाने चले गए हैं, खाना खा के घर चले जाएंगे क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी है, कोई नहीं था
सारा विकास मेरे साथ हो जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज है ना, आप पहचानती ही होंगे, नीलम मैम, बड़ी मैम, छोटी मैम को, और ये जो मेरे बगल में वो भी टीचर हैं। तो कुछ लड़कियाँ भी हैं, हम लोग आपस में गपशप कर रहे थे, तो सारे लोग जो हैं, हम लोग जो साथ में, वो सब टीचर ही हैं। तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं किसकी शादी में आई हूँ। मैं अपने एक स्टूडेंट की शादी में आई हूँ, उसी की शादी है। मैंने उसको लगभग 4-5 साल पढ़ाया है स्कूल में, तो उसी का शादी था, तो मैं आ गई हूँ। वो कृष्णा सर की भतीजी है, तो निमंत्रण देने आए थे, सभी के घर गए थे, सारे टीचर्स के घर गए थे, और सब परिवार सभी को निमंत्रित किया था, इसलिए हम लोग चले आए सब कोई, क्योंकि पास में ही था, 2 मिनट का तो रास्ता था। और देखिए, कुछ नई टीचर भी जुड़ गई हैं सबके साथ, तो वो लोग भी आ गई हैं। स्टेज पर ही हम लोग अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और इस टाइम ना बहुत अच्छा लग रहा था, मिस लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ना तो अच्छा लगता ही है। और यहाँ पे देखिए, सारे लोग जो हैं फ़ोटो क्लिक करवाने में लगे हुए हैं। और ये देखिए, मिस भागी जा रही हैं, तो बड़ी मैडम इनको बुला रही हैं कि कहाँ जा रही हैं, आइए हम लोग के साथ फ़ोटो क्लिक करवाइए, वीडियो बनवाइए। और ये देखिए, वो भागी जा रही थी बट आ गई। और ये देखिए, बगल में ही यहाँ पे मंडप भी बना हुआ है शादी का, और ये स्टेज है, तो ये मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल से ही शादी हो रही है। इनका घर भी बगल में ही है, तो फिर से लाइट कट गई थी, बार बार आज लाइट कटे जा रही थी। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, देखिए खाना खाने के लिए, यहाँ खाने का स्टॉल लगा हुआ था, तो सभी लोग अब खाना खाएंगे। और ये देखिए, ये भी एक जो थे ना, तो ये जान पहचान के ही थे, सबसे मिलने आए थे। और यहाँ देखिए, नीलम मैम, नीलम मैम, सब रिकॉर्ड हो रहा है आपका। कल वीडियो डलाएगा, कल नहीं परसों आएगा, एक दिन का गैप रखते हैं। अभी हम सब लोग खाना खाने में लगे हुए हैं, और यहाँ का डेकोरेशन भी आप लोग देख लीजिए। ये ऊपर वाला छत है जिसको यहाँ पे खाने के लिए इस तरह से डेकोरेट किया गया है, और इसके नीचे जयमाला और मंडप का स्टेज है, आप लोगों ने देखा ही। तो ये देखिए, ये भी हमारी स्टूडेंट ही है, और बच्ची है, लेकिन जब साड़ी पहनी ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये दुल्हन की बहन है, क्या ममेरी बहन। जी पीछे आइए जी, दिखाई नहीं दे रहा। मैडम भी नहीं दिखाई दे रहा। मैम किधर है? आप देख लीजिए, मैडम देखिए, भूषण सर आए हैं अपनी मम्मी के साथ स्टेज पे फोटो खिंचवाने के लिए, साथ ही और बहुत सारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ। और उसके बाद हम ही लोग यहाँ पे हैं, और पीछे देखिए मंडप बना हुआ है। तो अभी हम लोग दुल्हन से मिलने आ गए हैं, यही दुल्हन है, इसका नाम पम्मी है, और बहुत छोटी थी जब मैं इसका क्लास लेती थी, और देखिए कितनी बड़ी हो गई, क्या इसकी शादी भी हो रही है। तो यहाँ पे जयमाला के लिए माला वगैरह रखा हुआ है, बहुत प्यारी लग रही थी। और जो पीछे भी बैठी हुई ना, पिंक कलर में पहनी हुई, वो भी हमारी स्टूडेंट है। यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं, अधिकतर स्टूडेंट ही थे, और टीचर हम लोग तो थे ही, बहुत सारे टीचर आए हुए थे, जितने भी नए पुराने टीचर हैं वो सभी आए हुए थे। तो देखिए, अब जो है जयमाला होने जा रहा है, और दुल्हन को उनके भाई लोग लाने गए हैं, ये सर पे चुन्नी रख के इस तरह से। और अब तो ये वाला फैशन ही हो गया, गाँव में भी शादियाँ होती तरह से दुल्हन को ले जाया जाता है जयमाला के स्टेज तक। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं पास से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस दूर से ही मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया है, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसके बाद मैंने नहीं किया। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, तो मैं भीड़ में एकदम नज़दीक नहीं गई थी, बस दूर से ही जूम करके जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने बनाया। तो चलिए, आप लोग जयमाला देखिए।
छोटी बड़ी मैम चलने के लिए बोल रही थी, तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।